जा रहे हैं नारायणपुर बालाजी टेंपल, ये उसी का रास्ता है। अभी थोड़ी ही देर में हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये पुणे शहर हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों ने सुना, हम लोग जा रहे हैं बालाजी, जो कि नारायणपुर में पड़ता है। आज छोटे बालाजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये तिरुपति के जो बालाजी हैं उसी का रिजेम्बलेंस है। वैसा ही मंदिर बना हुआ है, लेकिन एक छोटे स्तर पर बना हुआ है। तो यहाँ का जो सी व्यू था रास्ते का, वो कुछ ज़्यादा ही ग्रीन था, कुछ ज़्यादा ही हरा भरा था, जो कि आपको भी दिख रहा होगा दोनों तरफ। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो हम लोगों ने सुना है कि सेम टू सेम वैसा ही मंदिर बना हुआ, तो देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। और ये जो सफ़र था, ये लगभग जहाँ हम लोग रह रहे थे वहाँ से 2.5 घंटे का सफ़र था। तो हम लोग जा रहे थे धीरे आराम आराम से, और फाइनली उसके बाद हम लोग पहुँच गए। ये देखिए, देखिए बालाजी यहाँ से शुरुआत है। आप रास्ता भी देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये एंट्रेंस है, और बाकी जगह जो हम लोग घूमे हर जगह कुछ ना कुछ एंट्रेंस फी लगती थी। हमें लगा यहाँ पे भी लगेगा, दो गार्ड क्योंकि बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, हमें सीधे जाना था। और एंट्रेंस देखिए, नज़ारा देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो फाइनली हमने पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी, और देख सकते हैं आप लोग पार्किंग काफ़ी बड़ी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से हम लोग निकल गए और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से पैदल जाना था मंदिर तक। ये देखिए रास्ता जो है, ये रोड दिख रहा है, इस पर गाड़ियाँ जाती है, लेकिन मंदिर परिसर के कुछ काम के लिए जाती हैं, और लोगों को साइड के फुटपाथ से जाना होता है। फिर हमने यहाँ पहुँच के देखा कि एक स्पेशली जूता चप्पल खोल के रखने के लिए एक चप्पल स्टैंड बना हुआ था, जो बिल्कुल फ्री था, यहाँ पे रखना है आपको। और फिर वहीं से आगे बढ़ते हुए दिखता है हम लोगों को नज़ारा मंदिर का। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, कितना भव्य मंदिर है। आज भीड़ कुछ कम है। और एक बात थी, जो हम लोग के पहुँचते के साथ वहाँ पर रथ यात्रा जगन्नाथ जी की हो रही थी, तो ये देख के बड़ा खुशी हुआ कि हम लोग पहुँचे और ये रथ यात्रा हो रहा है। तो हम लोगों को भी, और शहनाइयाँ भी ऐसी बज रही थी जैसे लग रहा था कि बिल्कुल हम लोग साउथ में, इंडिया के साउथ में चले गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए आप लोग भी कितना सुंदर लग रहा है, जगन्नाथ जी की यात्रा जो जा रही है। तो बहुत सही समय पर पहुँचे हम लोग, तो ये हम लोग को भी सौभाग्य मिला रथ खींचने का। मैं और शानवी गए रथ को खींचने के लिए। फिर राधा बोली कि मुझे भी रथ खींचना है, तो उसने भी थोड़ा हाथ लगा दिया। और फाइनली रथ आके मंदिर के मेन गेट पे आके रुका। ये देखिए जो मंदिर का मेन गेट है, ये बिल्कुल बालाजी, तिरुपति बालाजी के मंदिर से बिल्कुल मैच करता है। और यहाँ पे रुक के पूजा आरती की गई जगन्नाथ जी की। दर्शन हो जाने के बाद ये प्रसाद हम लोग को मिला है। तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर का वीडियो नहीं बन पाया। क्या हुआ शानवी, प्रसाद खाई? हाँ। तो हम लोग का आज बालाजी मंदिर दर्शन हो गया, छोटा बालाजी कहा जाता है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कैसा लगा शानवी घूम के? अच्छा, लॉलीपॉप भी अच्छा लगा। लॉलीपॉप भी अच्छा लगा। हाँ।
तो यहाँ से घर पहुँचने में भी लगभग हम लोगों को 1 घंटा लगेगा। और बीच रास्ते में एक जगह पॉइंट देखा था, बहुत सुंदर था वहाँ से सीन, वहाँ थोड़ा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करेंगे। तो यही वो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए कितना सुंदर जगह है ये, बिल्कुल पहाड़ी इलाका, हरियाली हरियाली, अलग ही हरियाली थी यहाँ पे। रास्ते भर जो आए हम लोग, ये कुछ अलग ही नज़ारा था बिल्कुल। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अद्भुत नज़ारा। ऐसा लग रहा था जैसे कि 1-2 घंटे यहीं पे बिताएं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम लोगों को जाना पड़ा यहाँ से। कितना सुंदर व्यू है, पूरा नीचे पहाड़ी इलाका। बालाजी जाते समय रास्ते में हमें एक मंदिर दिखा था, तो हमने सोचा था कि रिटर्न होते हुए यहाँ पे दर्शन कर लेंगे। और इस मंदिर का नाम है दत्त मंदिर। ये मंदिर भी बहुत सुंदर था, तो हम लोग यहाँ पे रुके और यहाँ भी दर्शन के लिए आगे बढ़े। और रास्ते में यहाँ पे देखिए पंडाल वगैरह बना हुआ है, वो तो गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी तो इसी के नीचे से जाने के लिए होगा। और ये दुकानें हैं फूल माला और पूजा सामग्री की, ये दोनों तरफ देखिए बड़े बड़े माला। ये देख के पता लगता है कि ये नारायणपुर है, तो ये नारायण जी का मंदिर है, यानी कि विष्णु भगवान का मंदिर है। और दत्त मंदिर नाम है, तो किसी के नाम पे रखा गया ये मंदिर, जिन्होंने बनवाया है इस मंदिर को। अंदर से देखिए कितना सुंदर मंदिर है, ये बहुत भव्य मंदिर बनवाया गया है। तो यहाँ हम लोग थोड़े देर ही रुके, लेकिन बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में भी आकर। तो फाइनली वहाँ से दर्शन करके हम लोग निकल गए, और लौटते लौटते बहुत रात हो गई, दिख रहा होगा आप लोगों को, करीब रात के 8 बज गए थे हम लोगों को लौटते लौटते घर पे। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।